लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, शहर के बिस्तर इलाकों में बूंदाबांदी से ट्रैफिक का निजाम मुतासिर। शहर की अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। नशीबी इलाकों में बारिश का पानी जमा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के नायब वजीर आजम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, अफगान सूरत हाल, इलाकाई सलामती और दो तरफा तारों पर गुफ्तगू की गई। शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान ने अफगानिस्तान से कामयाब इनखला में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान की मदद के लिए पेश। पाकिस्तान का एक और C-130 तैयारा इमदाद लेकर कंधार पहुंच गया, जिसमें आटा और अदवियात शामिल है। परवाज इमदादी सामान लेकर कराची से कंधार पहुंचे। कंटोनमेंट बोर्ड के 12 सितंबर को होने वाले इलेक्शन के लिए पिशावर के वार्ड 2 में गहमा गहमी, तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। तहरीक इंसाफ के इलाउद्दीन, पीपल्स पार्टी के नईम बख्श, मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अली और ANP के इब्राहिम अहमद, जमात इस्लामी के वसीम बख्श मद्दे मुकाबले। और जानलेवा वायरस से हलाकतों का सिलसिला जारी। मुल्क भर में मजीद 83 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमू अमवात की तादाद 26,580 हो गई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.03% रिकॉर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, शहर के बिस्तर इलाकों में पानी की बारिश के पानी और बूंदाबांदी से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। बारिश के बायस शहर की अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार हो गई। लारी अड्डा, बादामी बाग के आसपास के इलाकों में भी शदीद ट्रैफिक जाम देखने में आया। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। शहर के अक्सर इशारे भी जवाब दे गए। अक्सर शाहराओं के इशारों पर ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी से गायब हो गए। बेहंगम ट्रैफिक होने से ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुई। ट्रैफिक जाम होने से बिस्तर शहरी अपने दफातर और दुकानों पर वक्त पर ना पहुंच सके। शहर में बारिश के साथ ट्रैफिक रवानी के साथ ना चलने पर शहरियों को मुश्किल का सामना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के नायब वजीर आजम ने मुलाकात की है, जिसके दौरान बाहमी दिलचस्पी, अफगान सूरत हाल, इलाकाई सलामती और दो तरफा तावन पर गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक कतर के नायब वजीर आजम से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान बैन-अल-अक़वामी शराकत दारों के साथ इलाकाई अम के लिए काम करता रहेगा। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद के अज़्म का अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगान अवाम के मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। मुलाकात में शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान ने अफगानिस्तान से कामयाब इनखला में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कतरी नायब वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफारती तआवुन में मजीद वसअत के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान का एक और C-130 तैयारा आटा और अदवियात पर मुश्तमिल 36 टन इमदादी सामान लेकर कंधार पहुंच गया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान से 30 टन खुराक और अदवियात काबुल भिजवाई गई थी, जो पाकिस्तान के काबुल में सफीर ने अफगान हुकाम के हवाले की। पाकिस्तान अफगानिस्तान के खराब माली सूरत हाल देखते हुए इंसानी बुनियादों पर खुराक और अदवियात भिजवाने का फैसला किया था। दफ्तर खारजा के तर्जमान आसिफ इफ्तखार ने एक और बयान में कहा कि फिजाई रास्ते से फौरी इमदाद के बाद जमीनी रास्ते से भी इमदाद की जाएगी। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के लिए पेशावर के वार्ड 2 में 5,000 से ज्यादा वोटर्स हक राह दही इस्तेमाल करेंगे। 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। शहरी कहते हैं उम्मीदवार कामयाबी के बाद इलाके के मसाइल भूल जाते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के 12 सितंबर को होने वाले इलेक्शन के लिए पेशावर के वार्ड 2 में गहमा गहमी और तैयारियां अरूज पर पहुंच गई थी। इलाके में 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन असल मुकाबला 5 सियासी जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान होगा। वार्ड 2 में तहरीक इंसाफ के अलाउद्दीन, पीपल्स पार्टी के नईम बख्श, मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अली, ANP के इब्राहिम अहमद, जमात इस्लामी के वसीम
नसीम बख्श एक आजाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाई करेंगे। वार्ड टू में 5,440 वोटर्स अपना हक के राहे दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 3,000 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,440 है। कोरोना से मुल्क भर में मजीद 83 अफराद जान से गए, मरने वालों की तादाद 26,580 हो गई। 24 घंटे के दौरान 3,689 नए मरीज सामने आए। एनसीओसी के मुताबिक पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 91,440 है, मजमुई केसेस की तादाद 11,97,887 हो गई है। 3,669 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 10,79,867 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में 4,10,436, सिंध में 4,42,401, केपीके में 1,67,154, इस्लामाबाद में 1,02,094 और बलोचिस्तान में 32,517 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इंटर बैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 39 पैसे महंगा, 168 रुपए की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 168 रुपए 5 पैसे पर फरोख्त हुआ और डॉलर ने 13 माह बाद 168 रुपए की सतह अबूर की है। आखिरी बार डॉलर अगस्त 2020 में 168 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब बैरून ममालिक रिहायशी पजीर वर्कर्स में तरसीलात जर का मजबूत रुझान देखने में आया है, जो अगस्त में 2.66 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। इसी तरह मुसलसल छठे माह आमदनी औसतन 2.7 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई है। तरसीलात मुसलसल 15 माह 2 अरब डॉलर से ऊपर रही। इसी तरह तरसीलात जर में 10.4% का इजाफा देखने में आया। मुल्क में इतवार को होने वाले कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात की मुहिम का आज आखिरी रोज, सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच गई। मुहिम रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। लाहौर कंटोनमेंट इलेक्शन 2021 के सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम काफ ने तारीख सांस जलसे का अहतमाम किया, जिसकी कयादत हलका NA-132 और PP-164 की अहम सियासी शख्सियत जैन चोकर डोगरा ने की। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लाहौर कंटोनमेंट इलेक्शन 2021 के सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने तारीख सांस जलसे का अहतमाम किया, जिसकी कयादत हलका NA-132 और PP-164 की अहम सियासी शख्सियत जैन चौकत डोगरा ने की। जलसे में जैन चौकत डोगरा, सैनेटर कामिल अली आगा, साबिक सूबाई वजीर शहजाद इलाही, साबिक MNA मियां मुनीर, चौधरी नदीम इकबाल खोखर, चौधरी वहीद डोगरा, हैदर जावेद बट समेत हजारों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। जलसागाह जैन चौकत डोगरा जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। अहले इलाका ने जैन चौकत डोगरा के नाम की शर्ट्स पहनी और हाथों पर उनका नाम लिखवाकर अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। जलसे से खिताब करते हुए जैन चौकत डोगरा ने कहा कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मिठाइयां भी तकसीम करेंगे, जलसे भी करेंगे और दरबार पर हाजिरी देने भी जाएंगे। पंडाल
ਭਰਾ ਪੰਜ ਪੰਜ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਵੋਟ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨਦੀਮ ਇੱਥੋਂ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ जलसे में नदीम इकबाल खोखर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जैन शुक्र डोगरा की मोहब्बत में आए इलाका के मुअज्जिज़ीन की तादाद बताती है कि जैन शौकत ने मैदान मार लिया है। अहले इलाका कहते हैं जलसे में हजारों की तादाद में आए कारकुनों ने जैन शौकत की ना सिर्फ हिमायत की है बल्कि हल्के से जैन शौकत को अपना लीडर मान लिया है। आईजी पंजाब के जेर सदारत ऑपरेशंस और आईटी ब्रांच बारे इजलास हुआ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग रूम का जायजा लिया गया। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान का कहना था कि थानों और दफातर में शहरियों से गैर इखलाकी रवैया रखने वालों की महकमे में कोई जगह नहीं। पहले मरहले में ट्रैफिक पुलिस जबकि दूसरे मरहले में ऑपरेशंस पुलिस को बॉडी कैम फराहम किए जाएंगे। शहरियों की सहूलत और थानों में साहिलीन के मसाइल के बिला ताखिर हल को अव्वलीन तरजीह समझा जाए। डीआईजी आईटी वकास नजीर ने कहा कि पंजाब पुलिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जनरल पुलिसिंग और सर्विस डिलीवरी को मजीद मौसर बना रही है। पंजाब पुलिस के आईटी सॉफ्टवेयर्स केपीके इस्लामाबाद आजाद कश्मीर और बलोचिस्तान पुलिस को भी फराहम किए गए हैं। इजलास में एडिशनल आईजी ऑपरेशन साहबजादा शहजाद सुल्तान और डीआईजी ऑपरेशन सुहेल सुखेरा समेत दीगर अफसरान मौजूद।
लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी मुतासर। ताजपुरा के रिहायशी बिजली न होने के बायस परेशानी का शिकार। इलाका ताजपुरा गाजियाबाद पीने के लिए पानी को तरसने लगा। बिजली 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी गायब। मुगलपुरा की हदूद ताजपुरा गाजियाबाद में गुज़श्ता रोज 2 बजे से बिजली गायब होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका का कहना है कि बिजली के बिल बरवक्त अदा करने के बावजूद लोड शेडिंग मामूल बन गई है। मुतालिका XCN और SDO को मुतअद्दिद बार शिकायत की लेकिन सुनवाई ना हो सकी। अहले इलाका ने चीफ लेस्को से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।